लास्ट वीडियो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? ड्रॉ द फॉलोइंग टाइम इन अ क्लॉक। क्लॉक में हमें टाइमिंग बतानी है, ठीक है? क्या करना है? क्लॉक में टाइमिंग बतानी है। फर्स्ट है हमारा 7:20, 7:20। कैसे बनाएंगे? इसमें तीन कांटे होते हैं। तीन कांटे कौन कौन से होते हैं? आवर का, मिनट का और सेकंड का। तीन कांटे कौन कौन से होते हैं? आवर का, मिनट का और सेकंड का। वन मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। देखते हैं हम। ये आवर का कांटा है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। ये हो गया, कितना बनाना है हमें? 7:20। 7 पे आ गया हमारा आवर का कांटा। फिर मिनट्स बनाने हैं, तो मिनट्स 20 मिनट्स कैसे होंगे? 5 पे टेबल पड़ेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। 4 बार में आ रहा है, तो 4 पे हो गया मिनट का कांटा। कितने हो गए ये? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। कितना बन गया ये? 7:20, 7 hours 20 minutes। नेक्स्ट है हमारा 3 hours। 3 hours कैसे बचाने हैं? आवर का कांटा आएगा 3 पे, छोटा वाला आवर का कांटा 3 पे आएगा। फिर मिनट, मिनट्स हमारे यहाँ कोई भी 3 बजाने हैं, 4 है, 5 है, 5 o'clock, 6 o'clock। छोटा वाला आवर का कांटा उधर आएगा और बड़ा वाला जो मिनट का कांटा है यहाँ आएगा। ये 0 भी है, 60 भी है। यहाँ से मिनट स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स यहीं से स्टार्ट होंगे। तो कौन कौन से बना लिए हमने? 7 hours 20 minutes और 3 hours। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड राइट डाउन इट्स टाइप। इसके टाइप्स बताने हैं। ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल है, इसमें दो साइड सेम है और एक साइड अलग है। जिस भी ट्राइंगल में दो साइड सेम होती है और किसी साइड उससे बड़ी या छोटी होती है, वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलस ट्राइंगल। कौन सा? आइसोसेलस ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम हो, कोई भी दो साइड सेम होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। दो ब्रेथ है और ये दो लेंथ है, इसमें दोनों ही सेम है और यहाँ ही अपने साइड सेम है। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। नेक्स्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आइडेंटिफाई द एंगल्स एंड राइट देयर नेम्स। एंगल्स पता लगाने हैं। ये है राइट एंगल। कौन सा? 90 डिग्री पे जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। सी यहाँ से भी स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट, ये होता है राइट एंगल। 90 डिग्री से जितने भी इस साइड में एंगल आते हैं, 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 60 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है, ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? एक्यूट एंगल। इसके बाद 90 डिग्री से कुछ एंगल 90 डिग्री से छोटा, फिर कुछ एंगल 90 डिग्री से बड़े। जितने भी 90 डिग्री से बड़े एंगल हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जितने भी 90 डिग्री से बड़े एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये है हमारे लीनियर एंगल्स होता है, ये होता है हमारा 180 डिग्री। ये कौन सा होता है हमारा? 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। ये एक क्वेश्चन दिया है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ये फिगर हमें पता नहीं है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, क्या है। इस टाइप के फिगर्स का जो पेरीमीटर निकलता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड। इसमें क्या करना है हमें? इन फिगर्स के सभी को ऐड करेंगे। 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड में सबको हमने ऐड किया। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 7 = 13, 13 + 2 = 15, 15 + 5 = 20। आंसर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पैरामीटर क्या हो गया हमारा? 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप सब लोगों को नोट्स व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।
आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।